गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमको इक्वेशन फॉर्म करना है, दो इक्वेशन फॉर्म होगा और उसको सॉल्व भी करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें 6 क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। टू नंबर्स का डिफरेंस है 26 और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और सेकंड कंडीशन से हम बताया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। फाइंड देम मींस हमको नंबर्स फाइंड करना है, टू नंबर्स को फाइंड करना है। एज्यूम करेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, वन नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर भी वाई। इसमें हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स बड़ा है वाई से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें बताया कि दोनों का डिफरेंस कितना है 26, तो डिफरेंस मीन्स माइनस, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। एक्स बड़ा है तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन इसमें बताया है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक एक्स ले लेंगे और एक वाई, एक नंबर वाई है और दोनों को इक्वल टू करेंगे। अब यहां पर देखना है कि वन नंबर, ये एक्स नंबर बड़ा, एक्स बड़ा है किससे, वाई से, और यहां पर बोलता है कि कितना टाइम्स बड़ा है ये 3 टाइम्स, तो ये 3 टाइम्स है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई यहां पे करेंगे छोटे नंबर की तरफ, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 26, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 0, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। किसी भी एक इक्वेशन से ले लेंगे, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन से ले रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 प्लस वाई। एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन का मीन्स x इक्वल टू 26 प्लस वाई, इसका वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ पर x के जगह में कितना लिखेंगे 26 प्लस वाई, x के जगह में लिखेंगे x इन द प्लेस ऑफ x 26 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 0। 26 और y माइनस 3y, ये होगा माइनस 2y इक्वल टू 0। तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 26, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 26 अपॉन 3, 2 सॉरी 2 कैंसिल हो जाएगा 13। तो y इक्वल टू कितना आएगा 13, y का वैल्यू आ गया 13। और y के वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, तो मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू 26 प्लस वाई, x इक्वल टू 26 प्लस 13, x इक्वल टू कितना होगा 639213। तो x इक्वल टू कितना आ गया 39 एंड y इक्वल टू 13, देयरफॉर वन नंबर कितना है, वन नंबर था x और वो है 39। अदर नंबर इक्वल टू y और ये है 13। दिस इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। इसमें हमको दोनों एंगल्स को फाइंड करना है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड करना है।
इसमें एज्यूम करेंगे लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से कितना एक्सीड करता है, 18 डिग्री। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और वी नो दैट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये होता है, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें को हम सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 18, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 प्लस वाई, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब इसका वैल्यू को मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूँगा। तो सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट सेकेंड में हम पुट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180। इसमें x में पुट करेंगे 18 प्लस वाई, x की जगह पर लिखेंगे 18 प्लस वाई, और ये प्लस वाई ऑलरेडी है, इक्वल टू 180। 18 प्लस 2y इक्वल टू 180, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 डिग्री, 2y इक्वल टू 162, y इक्वल टू 162 अपॉन 2, y इक्वल टू 2 एट जा 16 और 1 2 1 जा 2, 81। अब इसके वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 81 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इक्वल टू 18 प्लस वाई कितना आया है, 81, ऐड कर देंगे इसको, 8 और 1 9 9, तो x इक्वल टू 99। आंसर इज x इक्वल टू 99, फर्स्ट एंगल 99 डिग्री एंड y इक्वल टू 81 डिग्री। देयरफॉर लार्जर एंगल इक्वल टू 99 और स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81, दोनों का सम 180 होगा। दिस इज आंसर।